डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बेनगार्टन इक्वेशन, वो पढ़ेंगे और इसी पर बेस्ड आपका मेनार्डी कोडाजी आएगा, उसके बाद उसको पढ़ेंगे। लेकिन पहले गास फार्मूले भी पढ़ना पड़ेगा, तभी सब बिल्कुल एकदम डिपेंडेंट हैं। तो बेनगार्टन इक्वेशन लिखा है आपके सामने है, डेरिवेटिव्स ऑफ सरफेस नॉर्मल, जो सरफेस नॉर्मल होता है उनके डेरिवेटिव होते हैं जिनको बेनगार्टन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इक्वेशन मैंने आपसे पहले बताया कि इक्वेशन दो में से अगर आपको एक भी इक्वेशन अगर याद रहे तो दूसरा आप लिख ले जाएंगे। वैसे जहाँ तक है कि ये डराइव करने के लिए आता है तो कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर याद रहता है तो आगे जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ लोग यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन देखिए यहाँ पर एच स्क्वायर एन वन कैप, ये जो लिखा है थोड़ा सा आपको मैं समझा दूँ, कहते यहाँ पर एफ जी लिखा है तो यहाँ भी एफ जी, यहाँ एफ के बाद एन है, एल के बाद एम, माने साइक्लिक ऑर्डर में एलिमेंट को चेंज किया गया है। तो केवल आप एक याद कर लो, एफ एम माइनस जी एल के साथ आर वन, एफ एल माइनस ई एम के साथ आर टू, दूसरा अपने आप लिख लोगे। देखो यहाँ एफ है तो यहाँ भी एफ है, एल के बाद एम है, ई में कोई चेंजिंग नहीं और एम के बाद एम है। अब यहाँ पर ये स्क्वायर क्या है, धीरे धीरे आप सबके बारे में जानेंगे कौन क्या है। तो इसका प्रूफ पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने कह दिया कि मान लेते हैं सरफेस का इक्वेशन, लेट इक्वेशन ऑफ सरफेस बी, हम सरफेस का इक्वेशन मान लेते हैं कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में r इक्वल टू आर यू वी, जहाँ u और v क्या है, ये दोनों पैरामीटर हैं, बीइंग पैरामीटर्स। आपको पता है कि जो n वेक्टर n कैप होता है यूनिट नॉर्मल, अगर हम उसको लेते हैं, इफ वेक्टर n v यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, ये सरफेस पे अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, यही हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन लेते ही हैं, तो इस वेक्टर n की वैल्यू होती है, याद करें, r1 क्रॉस r2 डिवाइडेड बाय h, और जहां ये h होता है ये इसी r1 क्रॉस r2 का मॉड होता है। अब जैसे बात आती है r1 क्या होता है, तो r1 जो होता है वो u के रेस्पेक्ट में इस वेक्टर r का पार्शियल डेरिवेटिव होता है, इसी तरह आर टू बी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, साथ ही साथ आर वन और आर टू टेंजेंशियल वेक्टर्स भी होते हैं सरफेस पर। तो अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो अगर हम यंग कैप का मार्ट लेंगे तो चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो मार्ट इसका एक ही आएगा, मतलब कांस्टेंट, और आपको पता है कि ये कांस्टेंट है, जिसको अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यंग डॉट यंग इक्वल टू वन। अब इसी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे और दो अलग अलग तरीके से दो इक्वेशन अभी आपको डेराइव करके दिखाते हैं। तो सबसे पहला काम ये होगा कि इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा, ये यंग कैप जो है वो आप देख सकते हैं आर वन क्रॉस आर टू के टर्म में, माने यू और वी के टर्म में होगा, तो डिफरेंशिएशन होगा इसका, ये कोई कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली, इसका डिफरेंशिएशन होगा u के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू e, एक हम बता दें दूसरा आराम से इसको डिराइव कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेम वेक्टर है तो टू यंग कैप, और देखो इसको आप लिखोगे डेल n बाय डेल u इक्वल टू जीरो, यहाँ से n कैप डॉट n1 कैप, अच्छा यहाँ पर हमने कैप नहीं लगाया तो कोई जरूरत नहीं है, आप सब में चाहें तो लगा सकते हैं, इक्वल टू जीरो, वो यूनिट वेक्टर होता है। ये यहां से अगर देखा जाए तो यन डॉट यन एन वन इक्वल टू जीरो, मैंने भी आपको बताया वन का मतलब है जो सफिक्स में वन है वो रिप्रेजेंट करता है कि डिफरेंशिएशन यू के रेस्पेक्ट, इसका मतलब ये है कि जो एन वन वेक्टर है इस परपेंडिकुलर टू वेक्टर यन के परपेंडिकुलर, यन क्या है सरफेस पे नॉर्मल होता है, तो सरफेस पे टेंजेंट कौन कौन होता है, सरफेस पर दो टेंजेंट होता है, एक होता है जैसे मान लेते हैं कि हमने सरफेस पे ऐसे पैरामेट्रिक कर्व बनाया, तो यहाँ पर एक टेंजेंशियल वेक्टर होता है जो कि रिप्रेजेंट होता है आर वन से, और दूसरा टेंजेंशियल वेक्टर होता है ये रिप्रेजेंट होता है आर टू से, ये हो गया। और जो एन कैप होता है वो ऐसे परपेंडिकुलर होता है, तो अगर एन कैप पर परपेंडिकुलर कोई है तो निश्चित रूप से वो आर वन आर टू को कंटेन करने वाले प्लेन में, भाई यंग कैप के जो परपेंडिकुलर होगा वो सरफेस का टेंजेंशियल वेक्टर होगा,
क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं आर ओ आर टू टेंजेंशियल है और यन कैप उस पर नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे अब अगर ये देखना है कि यन कैप कैसे नॉर्मल होता है, तो आप इसको तो यहीं से देख सकते हैं कि भाई यन कैप से आप इसको आर वन से मल्टीप्लाई कर लो, डॉट ले लो, जीरो आ जाएगा। आर टू से डॉट ले लो, जीरो आ जाएगा। परपेंडिकुलर होता है नो डाउट यहाँ। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर n1 इज टेंजेंशियल टू द सरफेस। ये क्या हो गया? ये सरफेस पे टेंजेंशियल हो गया है। इसका मतलब ये होगा कि दैट इज n1 लाइज इन द प्लेन। किस प्लेन में लाई करेगा? कंटेनिंग R1 एंड R2, क्योंकि R1 और R2 दो टेंजेंशियल वेक्टर सरफेस के हर पॉइंट पर होते हैं। मैं इसको रेस्ट कर दे रहे हैं, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। इस इक्वेशन वन के आगे चलते हैं, वो जरूर फिर पढ़ने वाली है। एक डेरिवेशन आप अच्छे से देख लेंगे, दूसरा आपसे पूछ रहे हैं। अब अगर वेक्टर n1 लास्ट लाइन में लिखा है कि जो वेक्टर n1 है वो r1 r2 को कंटेन करने वाले प्लेन में है, तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। जैसे कोई x एक्स वाई प्लेन में है तो i और j कैप के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। तो आप कहेंगे देयरफॉर वी कैन राइट, क्या लिखा जा सकता है? n1 इक्वल टू ए आर वन प्लस बी आर टू, और ये हमारे पास इक्वेशन हो गया है टू। यहां पर a और b की वैल्यू हमको निकालनी है। a और b की वैल्यू जैसे ही आप निकालेंगे, तुरंत आपका पहला वेन गार्डन इक्वेशन आ जाएगा। कैसे निकालते हैं? तरीका सिंपल सा मेथड है, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन वन इक्वेशन टू विद आर वन एंड आर टू। एक बार आर वन से डॉट प्रोडक्ट, एक बार आर टू से। तो आर वन से लेंगे तो वेक्टर एन डॉट आर वन इक्वल टू ए आर वन डॉट आर वन, बी के साथ आर वन डॉट आर टू। फंडामेंटल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, आर वन डॉट आर वन इक्वल टू होता है कैपिटल पी और आर वन डॉट आर टू होता है एफ, आर टू डॉट आर टू होता है जी। अभी इसमें सभी लोग आ जाएंगे। अब मेन बात आती है कि इसकी वैल्यू कहां पे निकालनी जाए। जैसे एक इक्वेशन तो हमको ये मिल गया है, इक्वेशन नंबर वन। देखिए अभी अभी आपको बताया गया था कि जो एन कैप होता है वो सरफेस नॉर्मल होता है, तो यन कैप का आर वन से प्रोडक्ट जीरो होगा। इसमें या तो आप समय कैप लगा लीजिएगा, तो लगाइएगा एक जैसा रखिएगा, क्योंकि यूनिट नॉर्मल होता है इसलिए लग जाता है। यन डॉट आर वन इक्वल टू जीरो, मुझे यहां पर क्या लाना है? एन वन डॉट आर वन। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं यू के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू यू। तो यू के रेस्पेक्ट में करूंगा तो यहां एन वन बन जाएगा डॉट आर वन प्लस एन डॉट। अब इसका करूंगा तो आर वन वन हो जाएगा। वन वन का मतलब दो बार यू के रेस्पेक्ट। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए एन डॉट आर वन, और अगर आपको ध्यान है तो ये वैल्यू एन होती है। ये है सेकंड फंडामेंटल कोएफिशिएंट एन, यानी यहां से एन डॉट आर वन की वैल्यू आपको मिल गई माइनस एल। इक्वेशन थ्री पर आ जाते हैं, देयरफॉर टर्म थ्री क्या मिल जाएगा? ए ई प्लस बी एफ इक्वल टू माइनस एल, तो इधर कर देते हैं एल इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन नंबर हो गया है आपके पास। बस केवल इक्वेशन ही ज्यादा बन रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं। अब जैसे हमने इक्वेशन टू को डॉट प्रोडक्ट लिया था किससे? आर वन से, बारी है आर टू से। एंड किससे लेना है? आर टू से। तो आप इसमें आएगा आ जाना चाहिए। तो यन वन
डॉट आर टू इक्वल ए आर वन पहले से है आर वन डॉट आर टू प्लस बी के साथ आर टू डॉट आर टू। अरे सांस ले लो भैया, सांस ले लो यार। आर वन डॉट आर टू बराबर ही ऐसे सब्जी बेच रहे हैं जितने लग रहा है मंडी में। आर टू डॉट आर टू जो है वो जी के बराबर है, हमको कहीं से ये वैल्यू चाहिए। फिर से हमें यहाँ चाहिए, जैसे हमने लिखा है यन डॉट आर वन इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख देंगे सिंस यन डॉट आर टू इक्वल टू जीरो, दोनों के लिए होता है। मुझे यहाँ यन वन बनाना है तो हम फिर से डिफरेंशिएशन इसका यू का रिस्पेक्ट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यू। यू के रिस्पेक्ट करोगे तो यहाँ हो जाएगा एन वन डॉट आर टू प्लस एन डॉट यू के रिस्पेक्ट में चाहे आर वन टू लिखो चाहे आर टू वन लिखो दोनों बात एक ही। ये वैल्यू हमको यहाँ पर चाहिए, इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन मानते रहिए। तो यहाँ से एन वन डॉट आर टू इक्वल टू ये वैल्यू कितनी होती है माइनस एम, इधर जाकर माइनस एम होगा। ये जो एम है वो होता है सेकेंड फंडामेंटल कोफिशिएंट्स, तीन कंपोनेंट होते हैं एल एम एम। ये आपका ये लिखा होगा, आप इसको भी लिखो आपके लिए सही रहेगा। एल इक्वल टू होता है आर वन वन डॉट एम, ये एक अभी और बचा है एल एम एम भी होता है। पूरी तरह से देखिए वेक्टर डिफरेंशिएशन चल रहा है इसमें। तो अब हम आते हैं इक्वेशन फाइव के पास, फाइव में ले जाकर इसको पुट कर देंगे तो ए एफ प्लस बी जी और ये माइनस एम है तो प्लस एम इक्वल टू जीरो और ये हो गया इक्वेशन आपका सिक्स। केवल फाइव और सिक्स सॉल्व कर करके ए और बी की वैल्यू जैसे ही ला करके मैं यहां रखूंगा आपका पहला रिजल्ट आ गया बिल्कुल सेम एकदम। इसी रास्ते से आपको दूसरा भी निकालना रहेगा। तो मैंने पहले कहा कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, फिलहाल कहीं इसमें कुछ रटने जैसी बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। फंडामेंटल कोफिशिएंट सारे याद होने चाहिए, वो आपने पहले पढ़ा है इसको तो मिटा दिए, पता नहीं कौन सा था इक्वेशन शायद फोर, फ्रॉम फोर एंड सिक्स। फोर में था आपके पास ए प्लस बी एफ प्लस एल था इक्वल टू जीरो, एक नीचे लिखा है ई एफ प्लस बी जी प्लस एम इक्वल टू जीरो। यहां इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा एफ एम माइनस जी एल बी अपॉन, देखो ये कैंसिल होगा एफ एल माइनस ई एम इक्वल टू वन अपॉन, ये हो जाएगा ई जी माइनस एफ स्क्वायर और यही होता है एच स्क्वायर की वैल्यू। यानी यहां से ए की वैल्यू कितनी आई एफ एम माइनस जी एल बाई एच स्क्वायर और बी की वैल्यू आई एफ एल माइनस ई एम बाई एच स्क्वायर। अब आपको इसी ए और बी की वैल्यू इक्वेशन टू में पुट कर देना है। पुटिंग ए एंड बी इन इक्वेशन पुट करें, तो जैसे ही पुट करेंगे हमको मिल जाएगा वेक्टर एन वन इक्वल टू एफ एम माइनस जी एल बाई एच स्क्वायर इतने के साथ आर वन प्लस अगला है एफ एल माइनस ई एम बाई एच स्क्वायर के साथ आर टू। अगर आपको स्टेटमेंट याद हो तो यही एच स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई था, इसको फर्स्ट वेन गार्डन इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट वेन गार्डन इक्वेशन। देखिए ऐसा नहीं है कि फर्स्ट आप डेराइव करके और सेकंड कहते हैं सिमिलरली,
ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि तो दोनों अलग अलग है। ये यू के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, वो वी के रेस्पेक्ट में। तो इसको देख लेते हैं, आपको दूसरा भी बता देते हैं, फिलहाल टाइम काफी इसमें बच गए। देखिए सेकंड के लिए फिर से एक बार, अब वो इक्वेशन मुझे नहीं याद है, दो था कि एक था, जो भी रहा है चलो वन ही कह देते हैं, राम वन। अब आप लोग देखिएगा क्या था, वो एन डॉट एन इक्वल टू वन था। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वी, तो क्या आएगा टू एन डॉट एन टू। यू का रेस्पेक्ट करेंगे तो सफिक्स वन आएगा, वी के रेस्पेक्ट करेंगे तो टू आएगा। यहां से फिर से आपको वही लाइन मिलती है, एन टू इज परपेंडिकुलर टू एन। अब एन के परपेंडिकुलर का मतलब आर वन आर टू के प्लेन। आप कहेंगे देयरफॉर एन टू लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग आर वन एंड आर टू। बिल्कुल सेम वे में हमको चलना है, बस हमने वहां स्केलर यूज किया था ए एंड बी, यहां कुछ और ले लेते हैं। वी कैन राइट एन टू इक्वल टू, चलो सी ले लेते हैं, सी आर वन प्लस डी आर टू। अभी इक्वेशन पता नहीं कहां तक माना गया था, चलो सेवन हो गया मान लेते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह जैसे उसमें आर वन से डाट लिया गया, आर टू से डाट लिया गया, सेम taking dot product with R1, तो R1 से डॉट लेंगे तो एन टू डॉट आर वन, आर वन डॉट आर वन अभी बताया गया था E के बराबर आता है, आर वन डॉट आर टू एफ के बराबर आता है। कहीं से इसको कैलकुलेट करोगे, अब कहां से करोगे वही फिर से बताओगे कि एन डॉट आर वन बराबर जीरो होता है। देखो यहाँ टू लिखा हुआ है तो यानी इसका डिफरेंशिएशन वी के रेस्पेक्ट, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वी। देखो वी के रेस्पेक्ट करोगे तो यहां हो जाएगा एन टू डॉट आर वन प्लस एन छूटेगा, और वी के रेस्पेक्ट में जब वन का होगा तो ये आर वन टू बन जाएगा। ये वैल्यू हमको चाहिए, और ये तो भाई अभी थोड़ी देर पहले बताया भी गया था, ये आपका m होता है। देखो l में क्या होता है r11, m में होता है r12 और n में होता है r22, ऐसे याद करिए। इसका मतलब ये हो गया कि देखो एक इक्वेशन ce प्लस df, यहां पर माइनस है तो इधर करके हम प्लस कर देते हैं, m इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर ये एक हो गया। अब फिर से डॉट प्रोडक्ट हम जाएंगे इक्वेशन नंबर सेवन का लेने, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेवन, इस बार किससे लेना है आर टू से, तो इसीलिए मैंने कहा एक आप समझ जाएंगे दूसरा आपसे हो जाएगा, तो एन टू डॉट आर टू, एन टू डॉट आर टू इक्वल टू सी आर वन डॉट आर टू बराबर है, आर टू डॉट आर टू बराबर होता है जी। आप इसको लेकिन डॉट मत करिएगा, आप लिख दीजिएगा इसकी वैल्यू हमको चाहिए। फिर से एक बार वही लिखेंगे, एन डॉट आर टू बराबर होता है जीरो। देखो यहाँ टू आ रहा है तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे वी के रेस्पेक्ट में, यहां हो जाएगा एन टू डॉट आर टू प्लस एन डॉट आर टू टू इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू हमको चाहिए, ऊपर लिखा हुआ है और यही तो होता है यन, यानी माइनस एन। देखो यन अलग अलग है ना, ये यन जो होता है फंडामेंटल फॉर्म होता है, फंडामेंटल कोफिशिएंट होता है, और जो ये यन है ये यूनिट सरफेस नॉर्मल होता है, दोनों में डिफरेंस। तो चलिए हम आ जाते हैं इस इक्वेशन पे, यहाँ पर ये यहाँ पे आ जाएंगे, तो क्या लिखा है भाई
सी एफ प्लस डी जी और प्लस एन इक्वल टू जीरो, और ये आपका हो गया इक्वेशन 7, 8, ये हो गया 9। इक्वेशन 8 और 9 को सॉल्व कर लीजिए तो साफ पता चल जाता है सी और डी की वैल्यू आ जाती है। सी और डी की वैल्यू ले जा करके कोई इक्वेशन बना होगा आपका, इक्वेशन ज्यादा हो गए इसलिए इधर उधर हो जा रहे हैं, इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। इक्वेशन जहां तक है कि 7 बना होगा, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन 8 और 9। राम 8 एंड 9, 8, 9 को सॉल्व करने का मतलब है कि सी ई प्लस डी एफ प्लस एम इक्वल टू जीरो, उसमें है सी एफ प्लस डी जी प्लस एन इक्वल टू जीरो, ऐसे सॉल्व कर ले डायरेक्ट यहां से, ये हो जाएगा एफ एन माइनस जी एम इक्वल टू डी अपॉन, ये कैंसिल हो जाएगा एफ एम माइनस ई एन, ये तो हमेशा वही आएगा ई जी माइनस एफ स्क्वायर दैट इज एच स्क्वायर, ये यहां से हमको सी की वैल्यू मिल जाएगी एफ एन माइनस जी एम बाई एच स्क्वायर, और डी की वैल्यू होगी एफ एम माइनस ई एन बाई एच स्क्वायर। अब हमको ये सी और डी की वैल्यू रखनी है इक्वेशन 7 में, जहां भी हमारे रहे होंगे हमें देख के अपना बुक कर लीजिएगा, क्योंकि ये मिट चुका है तो कहां उसको हम देख सकते हैं कि 7, 38 हमें क्या था। तो जैसे ही पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा वेक्टर n2 इक्वल टू सी, सी कितना है एफ एन माइनस जी एम बाई एच स्क्वायर के साथ आपका ये आर वन हो गया, और प्लस एफ एम माइनस ई एन के साथ अपान में एच स्क्वायर तो भाई सामने है आर टू, बस यही ये वेन गार्डन का सेकंड इक्वेशन है। नीचे एक लाइन लिख देंगे दिस इज कॉल्ड सेकंड वेन गार्डन इक्वेशन। वेन गार्डन का इक्वेशन आपको सुनने में आया होगा, इतना ये टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी, ठीक है। इस वीडियो में इतना, बाकी आगे वो देखते हैं। थैंक यू सो मच।